सो हे गाइस, हाउ यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि इंजीनियरिंग के बाद यह डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास यह डॉक्यूमेंट नहीं है तो प्राइवेट कंपनियां खास करके आपको जॉब नहीं देंगी। इस पूरे वीडियो में आपको यही क्लियर करूंगा। और देखो गाइस, पहली बार आप जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि क्या ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिस डॉक्यूमेंट के न होने पे आपको कंपनियां जॉब से सीधे सीधे मना कर सकती हैं कि भाई हम आपको जॉब नहीं दे पाएंगे। और मैं बता दूं, ऐसा कम से कम कई हज़ार इंजीनियर के साथ हो चुका है और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपने ये मिस्टेक किया, ये गलती की, तो हो सकता है अगला टारगेट आप हो सकता है कि शायद आपको भी जॉब ना मिले, हो सकता है कि आपको भी दिक्कत हो। तो आप थोड़ा सोच समझ करके डिसीजन लें क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत जेन्यून है। सो पहली बात करते हैं कि देखो, कोई भी कंपनी में जब सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन के बाद की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। सिलेक्शन कैसे होता है ये आपको पता ही है, इंटरव्यू एंड ऑल द थिंग्स हो गया, फिर एचआर का जो होता है वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन में वो आपसे डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगते हैं, पहला तो आपका आधार कार्ड मांगेगा, दूसरा पैन कार्ड मांगेगा, तीसरा आपका डिग्री मांगेगा। डिग्री में भी आपका जो फाइनल ईयर की डिग्री है वो मांगेगा, और डिग्री में भी वो सर्टिफिकेट भी मांगेगा, फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर सारे डॉक्यूमेंट मांगेगा। उसके बाद टेंथ ट्वेल्थ का भी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट देने में आप असमर्थ हैं, मतलब नहीं दे पा रहे हैं, अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक मैं आपको ये भी बता दूं कि इस एचआर सारे डॉक्यूमेंट के जीरोक्स कॉपी एक पास एक कॉपी अपने पास डॉक्यूमेंट बना के रखता है, साइन आपका साइन किया हुआ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट बना करके वो अपनी कंपनी में जमा करता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो सामने भी देखता है, ऐसा नहीं कि आप ले जा करके दे दिए प्रिंट आउट वो रख लेगा, नो, आपके सारे डॉक्यूमेंट वो सामने भी चेक करता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट लेकर आए हो ये सही है या गलत है, ये डॉक्यूमेंट लेकर आए हो ये सही है या गलत है, पूरा थॉरली चेक किया जाता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। पूरा चेक करने के बाद, पूरी चीजें जानने के बाद, पूरा एक्सेस मतलब देखने के बाद ही चीजें पता की जाती है कि भाई किस तरह से चीजें हैं और किस तरह से चलेंगी। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप देने में फेल हो गए हैं तो कहीं ना कहीं आप जॉब से निकाल दिए जाओगे और आपको जॉब नहीं देगा। उसके बाद एक और वेरिफिकेशन होता है, बहुत सारी कंपनियां जो एड्रेस वेरिफिकेशन कराती हैं कि भाई आप किस एड्रेस पे रह रहे हो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो परमानेंट एड्रेस दे दोगे, जो आधार कार्ड पे है तो एड्रेस पे पुलिस वेरिफिकेशन कराती है कि भाई आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, कोई इस तरह से केसेस नहीं है, इस तरह से चीज़ें नहीं, इस तरह से कोई चार्ज तो नहीं लगे हुए हैं, इस तरह की कोई मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो इसीलिए प्राइवेट इंडस्ट्री भी काफ़ी सतर्क हो गई है जॉब देने में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्री भी काफ़ी सतर्क हो गई है, काफ़ी चीज़ें सोच समझ के कर रही है, ऐसा नहीं कि हवा हवाई में कर रही है। तो सोच समझ करके ही डिसीजन आप भी लीजिए कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से काम कर रहे हैं, इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, इस तरह से चीज़ें आगे जा रही हैं। तो अगर आप सोच समझ करके और एक्चुअल में डिसीजन लेंगे तभी जा करके आपका करियर आगे बढ़ेगा, तभी जा करके आपके लिए चीज़ें काम करेंगी। और अगर आप नहीं सोच समझ के डिसीजन लोगे तो शायद आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा, शायद आपके लिए चीज़ें उस लेवल पे काम नहीं कर पाएंगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत मैंडेटरी पार्ट है, जितना इंपॉर्टेंट जॉब है उतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और गाइस ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां पे भी आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सारे इंजीनियर्स को सब पता चल सके। कोई भी कंपनी हो ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, बहुत सारे लोग गलतियां जरूर करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं, कोई भी प्राइवेट कंपनी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी नहीं लेती है, कभी नहीं लेती है तो मतलब कभी नहीं लेती, कभी भी किसी प्राइवेट कंपनी के पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप मत रखिएगा, ये बहुत 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 खतरनाक चीज़ है, तो उससे बच के रहिएगा। वीडियो में इतना ही होगा, इस वीडियो आपको पसंद आएगा। जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, मेरे से बात करनी है, करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जाकर के ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।